अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 19 अगस्त 2019। तो दोस्तों आज की हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं आपको, डीएलएड एडमिशन से संबंधित क्या बड़ी अपडेट्स है और बीटीसी में क्या हलचल चल रही है। सबसे पहले दोस्तों आज की बड़ी खबरें हम देखेंगे, जनरल ओबीसी एससी एसटी क्या होगी मेरिट, क्या होगी फाइनल एडमिशन की कटऑफ। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर जो हमारी बार एडमिशन हो रहा है ये दोस्तों आपको पहले फेज टू चला है, इसको आपको समझना पड़ेगा फेज टू। और दोस्तों इसका राउंड वन चल रहा है अभी, फेज टू का राउंड वन। ठीक है, जैसे पिछली बार दोस्तों आपके 3 राउंड में आपकी एडमिशन प्रक्रिया संपन्न हुई थी, तो ये आपका राउंड फर्स्ट चल रहा है। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि हम क्यों कह रहे हैं कि आपकी मेरिट कम जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ये आपको बात समझनी पड़ेगी, जो आपकी ये राउंड टू और काउंसलिंग चल रही है ये किन बच्चों के लिए चल रही है, जिनकी रैंक 2,50,001 से स्टार्ट है। ठीक है, 2,50,001 से लेकर 3,33,090 तक दोस्तों समथिंग ये आपकी मेरिट बनाई गई है। ठीक है, ये इन बच्चों के लिए काउंसलिंग है, उनके लिए नहीं है जिनकी रैंक 1 लाख मतलब 1 से लेकर 2,50,000 तक थी, उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल चुका है। तो स्पेशली ये दोस्तों काउंसलिंग किन बच्चों के लिए, जिनकी रैंक 2,50,000 से शुरू होती है। तो अब आपको हम बता दें, पहले आप ये देखिए, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, नहीं तो शायद आपको ना दिख रहा हो। तो दोस्तों थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर जरा लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, आपके स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन है कैंडिडेट लिस्ट, 2,50,000 एक रैंक से लेकर 3,33,090 रैंक तक। ठीक है ना, तो जो सबसे हाईएस्ट मेरिट बनती है दो, ये देखिए 2,50,000 एक रैंक वाले बच्चे की मेरिट है 181.99। फिर उसके बाद दोस्तों 2,50,000 दो रैंक वाले बच्चे की भी मेरिट समथिंग ऐसे है। तो अब जो सरकारी सीटें खाली हैं, फिलहाल अभी हम आपको वीडियो का लिंक भी देंगे, इसी में लास्ट में दिखा देंगे कहां पर कितनी सरकारी सीटें खाली हैं, जनरल में एससी में और दोस्तों डिफरेंट कैटेगरीज में। तो अब आप समझिए, अब ये जो आपको मेरिट दिख रही है 181.99, और ये बच्चे की रैंक कितनी है 2,50,000 एक, समझ रहे हैं दोनों बात, ध्यान से देखना है आपको। तो मतलब हम समझ लेते हैं कि एक हाईएस्ट मेरिट हमारी 181.99 है। ठीक है, जो इस राउंड की काउंसलिंग चल रही है, तो मौका तो इन्हीं को दिया गया ना स्पेशली, ये स्पेशली काउंसलिंग किन बच्चों के लिए हो रही है, इन बच्चों के लिए हो रही है। अब लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि फेस वन में कुछ बच्चे छूट गए होंगे, मानते कुछ बच्चों को छूटे, और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है किसी भी बच्चे को मौका नहीं दिया गया, ये आपको बात समझनी है। अगर आपको पहले कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आप इस बार एलिजिबल नहीं है। अगर आपको कहीं भी पहले राउंड में किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा था या कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो पाया तो आपको मौका मिलेगा। तो सही बात है, जिन बच्चों की रैंक हाई रही होगी, मेरिट हाई रही होगी, अगर उन्होंने गलती से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया तो वो सीधे तौर पर इस बार एडमिशन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे होंगे, वो ट्राई कर रहे होंगे लेकिन उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपको समझ में आ गया कि भाई हमारी जो मेरिट स्पेशली इन बच्चों के लिए है, तो मतलब साफ है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मेरिट ये होगी जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, इन बच्चों को ही तो मिलेगा सरकारी कॉलेज में दाखिला, डायरेक्ट में किन बच्चों के लिए हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। जैसे कुछ डायरेक्ट में 50 सीटें खाली, तो यही सब बच्चे तो आकर दाखिला लेंगे वहां पर। तो आपको बात अब समझ में आ गई होगी दोस्तों स्पेशली कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए, जिनका फेस वन में जिन बच्चों ने कहीं कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या जिन बच्चों ने पहले बार सरकारी भरा नहीं हुआ उनका, तो दोबारा वो काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया उन्होंने कि हमको सरकारी नहीं मिला तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो उन बच्चों को मौका मिल जाएगा। तो उसमें से कुछ बच्चे तो होंगे जो अच्छी मेरिट वाले होंगे, उनको फिर से मौका दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो सीटें रिक्त रहेंगी ना, इसके बाद दोस्तों एक और आपकी काउंसलिंग होनी है। देखिए समझ लीजिए पहले कि आप लोग का जो रिजल्ट है फेज टू का, वो 21 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, और दोस्तों कल आपकी अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2019 तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ध्यान रखना है। आज 19 तारीख हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा, कल आपके पास अंतिम दिन है, सुबह सुबह जल्दी से भर लीजिए, या आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो तुरंत ही भरिए पहले अपना चॉइस फिलिंग, वीडियो के बाद तुरंत भर लीजिएगा, वेट मत करिए, हो सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब जनरल ओबीसी एससी एसटी भाई सबकी मेरिट यही आपके सामने सो रही है, हाईएस्ट आपकी 182 है, यहाँ पर कोई कैटेगरी वाइज मेरिट नहीं सो रही है, ये आपकी एक जनरल रैंक है सबके लिए। तो यही आपके दोस्तों मेरिट डाउन होती जा रही है और डाउन होती जाएगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि मौका जब हमें 182 नंबर वालों या 181.99 अंक वाले बच्चों को मिल रहा है, तो नौकरी भी या एडमिशन भी, नौकरी तो नहीं मिलेगी फिलहाल, एडमिशन ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग नौकरी वाली वीडियोस ज्यादा बनाते रहते हैं, इसलिए नौकरी नौकरी दिमाग में बस गया है। तो आप लोगों को दोस्तों एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, ये तो बात श्योर है। अब जिन बच्चों की किस्मत खराब होगी उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग दोस्तों इस समय एससी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है,
और एसटी कैटेगरी होगा क्या कि मान लेते हैं अगर आपकी एससी की सीटें फुल हो जाती हैं उस समय, मान लेते हैं अगर जनरल में सीटें खाली रहती है तो आपको जनरल में सीट दे के कॉलेज अलॉट करा दिया जाएगा। तो मतलब आपके पास आसानी बहुत है कॉलेज मिलने के, बहुत चांस बन रहे हैं एसटी कैटेगरी के भी भाइयों बहनों के लिए, तो मौका अच्छा है, चौका आपको मारना है। अब दोस्तों देखिए क्या और बता दें, 21 अगस्त को दोस्तों जो आपकी फेज टू की राउंड टू की काउंसलिंग होनी है ना, उसमें सबको मौका दिया जाएगा जिनकी पहली रैंक लेके 1,33,000, जिनको कहीं पर कॉलेज अलॉट ना हुआ हो। जैसे दोस्तों अभी आप लोग कर रहे होंगे ना, अभी मान लेते जो इस राउंड में जिन बच्चों ने जो भी कॉलेज डाला, जैसे आपने प्राइवेट या सरकारी डाला, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया चाहे सरकारी अलॉट हो चाहे प्राइवेट, उसके बाद आप 21 अगस्त वाली काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ये भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि अभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए फिर कहें कि हमको सरकारी चाहिए, सीटें खाली दिखाई जा रही, क्योंकि 21 अगस्त को जो काउंसलिंग होगी उसमें कोई भी ना तो जनरल होगा, ना तो उसमें कोई बच्चा ओबीसी होगा, ना तो एसटी होगा, ना तो एससी होगा, ना फिजिकल हैंडीकैप होगा, ना फ्रीडम फाइटर, ना एक्स सर्विसमैन, या ना कुछ, उसमें सभी बच्चे बराबर होंगे, समानता का अधिकार दे दिया जाएगा उसमें, जिन बच्चों की मेरिट ज्यादा होगी उनको कॉलेज अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो भाई मौके बहुत बन रहे हैं सरकारी कॉलेज में दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात हुई सभी बच्चों के लिए, नहीं तो सरकारी कॉलेज में होता क्या था कि आप जाइए कॉलेज में सीटें खाली हैं वैकेंट सीटें, तो वहाँ कॉलेज वाले फॉर्म देते थे, उस फॉर्म को भरने के बाद हो सकता था कि भाई उनको जुगाड़ चल जाता था कि चलो ये हमारे चाचा है हमारे टीचर है ये मेरा फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि पावर थी दोस्तों कोई वहां देखने जाता नहीं था। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है, ना वहाँ चाचा जी काम आएंगे ना ताऊ जी काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा, सब कुछ ऑनलाइन, क्योंकि उसके बाद भी दोस्तों इनको पूरा डेटा एडमिशन का उनको पीएनपी या परीक्षा नियामक प्राधिकारी तक भेजना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतने कॉलेज अलॉट हो गए, इतनी सीटें अलॉट हुई हैं। अगर ये डेटा नहीं भेजेंगे तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात कह रहे थे कि आपको मेरिट कम क्यों जाएगी समझ लीजिए आप पहले। तो दोस्तों अब हमको उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई जो इस राउंड में जिन बच्चों को मौका दिया गया है उनकी हाईएस्ट मेरिट ही 181 से स्टार्ट हो रही है समथिंग से, तो समझ लीजिए। अब एक सवाल और आ रहा था सभी बच्चों के अंदर कि बीटीसी या डीएलएड करने के बाद नौकरी कैसे मिलती है, आप कर क्यों रहे हैं? अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इतनी कोशिश कर रहे हैं, जिन बच्चों की मेरिट कम है, देखिए बच्चों की मेरिट कम होते जा रही है, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, यार इतने कम नंबर वाले बच्चों को क्या नौकरी मिलेगी, जहाँ कुछ बच्चों के नंबर 240 आ रहे हैं, किसी बच्चे का 250 है, किसी का 270 है, क्या उनको नौकरी मिलेगी कि आपको 180 वाले को मिलेगी? समझिए पहले, देखिए इसका रूल क्या होता है, जब आपका बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा, देखिए अभी आपकी मेरिट कम थी, मान लीजिए इंटर हाई स्कूल में आपको नंबर नहीं मिलते थे, लेकिन अब बीटीसी या डीएलएड जो आप कर रहे हैं, देखिए बीटीसी याद रखिए अगर नाम ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो डीएलएड भी लिख लीजिए, हम दोनों लिख दे रहे हैं, क्योंकि बीटीसी आपका पुराना नाम है तो जानते हैं ना पुराना नाम, ओल्ड इज गोल्ड। समझिए पहले बीटीसी में आपका प्रैक्टिकल बहुत फायदेमंद होता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के 200 नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो अधिकतर बच्चे कभी 425 का ऐसे ही होता है समथिंग प्रैक्टिकल दोस्तों आपका, तो और 375 का दोस्तों होता है रिटर्न शायद, तो लगभग दोनों 800 नंबर के हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको कॉलेज वाले प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, अगर आपकी थोड़ी बहुत पहचान है कॉलेजेस में, आप टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं या बातचीत हो जाती है, चाहे जैसे भी आप लोग समझ रहे होंगे, तो जुगाड़ की नीति आप लोग पता ना जुगाड़ होता है यूपी में, तो अगर दोस्तों अधिकतर बच्चे 100 में से 90 बच्चों को 425 में से 411 से लेके 415 नंबर तक दे दिया जाता है, ठीक है 415 तक, अगर दोस्तों आपके 415 नंबर यहाँ बन जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप 375 में अगर आप लोग 300 नंबर और ले आते हैं तो आपके कितने नंबर होंगे जरा जोड़िए, 4 3 700, 715 नंबर, ठीक है ये कितने में हो रहे हैं दोस्तों, 800 में से, कितने में से हो रहे हैं दोस्तों 800 में से, ये 2 0 से काट लीजिए, 8 से भाग कर दीजिए, 8 8 56, ठीक है 8 8 64 होता है ना, 64 और दो से यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 5, 8 9 72, तो 289 या वो समथिंग बन जाएगा आपके परसेंटेज, मतलब 90। तो दोस्तों यहाँ पर 90% बनाना बहुत ही आसान होता है, तो आप समझ गए होंगे कि हम 375 में अगर खाली 300 नंबर रिटर्न में ले आते हैं, 425 में 415 समथिंग आ जाएगा, तो आपके 90% बनेंगे, और ये दोस्तों आपको देके जाएगा 9 अंक का गुणांक, 9 अंक का गुणांक जो फिलहाल आज के डेट में चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके 9 अंक का गुणांक बनता है, और जो बच्चे बीएड करते हैं जो आपके कंपटीटर हैं बीएड, अब बीटीसी वर्सेस बीएड चलेगा, बीटीसी बीटीसी में फाइट नहीं होगी, बीटीसी से बीएड की फाइट होगी, उनके 200% बनेंगे आपके 70% समथिंग, तो आपको 9 अंक का गुणांक मिलेगा, उनको 7 अंक का गुणांक मिलेगा, 2 अंक का गुणांक आपको बेनिफिट में जाएगा, अगर वो सहायक अध्यापक बनने की सोच रहे हैं तो आपसे फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ
बीटीसी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में आपको नंबर लेना है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि भाई 425 में 415 नंबर आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे जैसे ले आप। यहाँ पर दोस्तों हम छोड़ते हैं कि आप नंबर कैसे लेंगे टीचर से, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नंबर लेने में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप पावर का यूज करें चाहे जैसे लें। क्योंकि अगर नंबर दोस्तों एक चीज बता दे फिर से हम जाते जाते वीडियो में, अगर आपको नंबर नहीं मिलता बीटीसी में फिर आप नौकरी नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखना है। स्पेशली प्रैक्टिकल में आपको पूरे अंक चाहिए होंगे एडमिशन लेने से पहले, अगर आज आप लोग एडमिशन लेने जाए तो आप वहां जरूर पूछिएगा कि आपके यहाँ प्रैक्टिकल के नंबर कैसे मिलते हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। क्योंकि दोस्तों जो आजकल के यंग टीचर आ रहे हैं ना, अपने जैसे यंग लड़के आ रहे हैं ना, यंग बच्चे, ठीक है, वो यंग बच्चे लोग रहते हैं तो वो अच्छे नंबर देते हैं, उनको पता है कि नंबर क्या होती है। जो ओल्ड होते हैं टीचर जो पहले जमाने के हैं तो वो थोड़ा आड़ियल टाइप के होते हैं, और हो सकता है आपको उतने नंबर ना दे। अब भाई 425 में से 415 नंबर लाने इतने आसान भी नहीं होते प्रैक्टिकल में, याद रखिए। तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा, जो वहां पर प्रैक्टिकल की फाइल हो, कॉलेज जाना हो, वो तो आप लोग बात कर लेंगे कैसे आपको मैनेज करना है, तो देख लीजिएगा। लेकिन नंबर में बिल्कुल भी दोस्तों कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए अगर आपको नौकरी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों हम बता दें कि अच्छा बीटीसी आपने मान लेते 90% के साथ आपने बीटीसी कंप्लीट कर ली, उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको या यूपी टेट का फॉर्म भरिए, ठीक है, यूपी टेट पास कर लीजिए, या तो सीटेट, हमारी मानिए तो सीटेट पास कर लीजिएगा। सीटेट का पेपर देने से ये फायदा होगा कि आप लोग अगर भारत में, इंडिया में कोई भी वैकेंसी आती है किसी भी राज्य में आएगी तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यूपी टेट करने के बाद सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी आएगी शिक्षक भर्ती से संबंधित, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी आएगी तो वो सीटेट से भी कर सकते, तो मतलब सीटेट से उत्तर प्रदेश में भी कर पाएंगे, बाहर भी कर पाएंगे, लेकिन यूपी टेट से सिर्फ आप लोग यूपी भर में सीमित हैं। उसके बाद दोस्तों आपका पेपर होगा सुपर टेट का। सुपर टेट के बाद दोस्तों वो ये होता है आपका शिक्षक भर्ती का पेपर एक तरीके से, जब आप इसमें जो आप नंबर लाएंगे उसके 60% अंक लिए जाते हैं, जब आप लोग टीचर बनते हैं तो उसके आधार पर आपको नौकरी दे दी जाती है। बस ये है प्रोसेस, और अगले पूरा दोस्तों और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो अगली वीडियो में बताया जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और ऑल द बेस्ट, सभी को सरकारी कॉलेज मिल जाए।